छुप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई, तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। दोस्तों जब भी आप ये गाना सुनते होंगे तो आपके जहन में भी बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत और ऑरेंज लेडी कही जाने वाले मुमताज की छवि आ जाती होगी, जिनके करियर की शुरुआत भले ही कुछ खास नहीं रही पर अपनी मेहनत और काबिलियत से इन्होंने बॉलीवुड में वो मुकाम हासिल किया जो बहुत ही कम लोग हासिल कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों आप इस खूबसूरत अदाकारा के बारे में तो सब जानते हैं, पर क्या आप उनके रियल लाइफ बेटे के बारे में जानते हैं कि वो कौन है, क्या करते हैं और कैसे दिखते हैं? अगर आप भी इनके बेटे के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और साथ ही मुमताज के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूले। बॉलीवुड की एवरग्रीन एक्ट्रेस मुमताज का जन्म 31 जुलाई 1947 को मुंबई में हुआ और इसलिए इन्होंने पढ़ाई भी वहीं से पूरी की। अगर बात करें इनके एक्टिंग करने की तो इन्होंने घर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ना होने के कारण महज 12 साल की उम्र में ही फिल्म सोने की चिड़िया से इंडस्ट्री में एंट्री कर ली थी, जिसके बाद इन्होंने टीनेज में फिल्मों में छोटे मोटे किरदार निभाए पर इन्हें कोई पहचान नहीं मिली। इनकी किस्मत जब खुली तब धारा सिंह की एंट्री इंडस्ट्री में हुई, जब इनके साथ कोई भी एक्ट्रेस काम करने को तैयार नहीं थी तब इन्होंने बतौर लीड एक्ट्रेस उनके साथ फिल्मों में काम किया। उनके साथ इनकी पहली फिल्म 1963 की फौलाद थी, जिसके बाद इन्होंने उनके साथ करीब 16 फिल्मों में काम किया और खूब लोकप्रियता हासिल की। इसी लोकप्रियता के बाद इन्हें फिर उस दौर के सुपरस्टार अभिनेताओं के साथ काम करने का मौका मिला। इस तरह इन्होंने शम्मी कपूर के साथ ब्रह्मचारी फिल्म की और देवानंद के साथ हरे रामा हरे कृष्णा, संजीव कपूर के साथ खिलौना, जितेंद्र के साथ नागिन और शशि कपूर के साथ चोर मचाए शोर जैसी कई यादगार रोमांटिक फिल्में दी। वहीं कुछ फिल्मों में काम करने के बाद इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बनाने का फैसला कर लिया। इस तरह इन्हें इनकी आखिरी फिल्म साल 1990 में आई आंधिया में अभिनय करते देखा गया था। लेकिन अगर बात करें इनके बेटे के बारे में तो आपको बता दें इनके सिर्फ दो बेटियां ही हैं, इनका अपना कोई सगा बेटा नहीं है। पर इसके बावजूद ये जिसको अपना बेटा मानती हैं वो शख्स और कोई नहीं बल्कि मशहूर बॉलीवुड एक्टर फरदीन खान है, जो कई जबरदस्त फिल्मों में अभिनय कर चुके हैं जिनमें नो एंट्री है, हे बेबी और ऑल द बेस्ट जैसी फिल्में शामिल है। आपकी जानकारी के लिए बता दें फरदीन खान मुमताज की बड़ी बेटी नताशा के पति हैं, जिनसे इन्होंने साल 2005 में शादी की थी जो कि एक लव मैरिज थी, जिनसे इन्हें दो बच्चे भी हैं। बात करें मुमताज और फरदीन के बीच के बॉन्ड की तो ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं। जहां इन दोनों का ये रिश्ता सास दामाद से ज्यादा माँ बेटे का है, तभी तो मुमताज फरदीन को सगे बेटे से भी ज्यादा मानते हैं और इसी के चलते फरदीन खान जैसे दामाद होने के कारण मुमताज को अपने बेटे ना होने का कोई मलाल भी नहीं है। तो दोस्तों मुमताज और फरदीन के इस खूबसूरत रिश्ते के बारे में आपका क्या कहना है, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।